उत्तराखंड में गढ़वाल की प्रसिद्ध रामलीला का देहरादून में शुभारंभ हो गया है। टिहरी नगर के आजाद मैदान अजबपुर कला दून यूनिवर्सिटी रोड देहरादून में 11 दिन की भव्य रामलीला का आयोजन शारदीय नवरात्रों में 15 से 25 अक्टूबर तक किया जा रहा है। इस रामलीला का अलग महत्व है। श्री रामकृष्ण लीला समिति टिहरी 1952 देहरादून ने गढ़वाल की ऐतिहासिक राजधानी पुरानी टिहरी की 1952 से होने वाली प्राचीन रामलीला को टिहरी के जलमग्न होने के बाद देहरादून में पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया है। इसी के तहत इसका आयोजन किया जा रहा है। रामलीला में विधायक किशोर उपाध्याय, विधायक विनोद चमोली, विक्रम सिंह नेगी, अमित पंत, गिरीश चंद्र पांडे, जागर गायिका बसंती पिष्ट आदि ने भाग लिया। श्री कृष्ण लीला समिति टिहरी 1952 देहरादून के अध्यक्ष अभिनव थापर ने कहा कि टिहरी गढ़वाल की ऐतिहासिक रामलीला 1952 से पुरानी टिहरी के आजाद मैदान में 2002 तक टिहरी के डूबने तक होती रही और टिहरी के जलमग्न होने के बाद अब टिहरी विस्थापितों ने देहरादून में इसको 21 वर्ष बाद पुनर्जीवित करने का निर्णय किया है। इससे टिहरी गढ़वाल के इतिहास को पुनर्जीवित करने का मौका मिलेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए मनोरंजन से अपने इतिहास और सनातन धर्म की परंपराओं के साथ जुड़ने का अवसर भी मिलेगा। 1973 के 50 साल बाद टिहरी की रामलीला के प्रसिद्ध कलाकार बचेंद्र कुमार पांडे ने मंच पर उतरकर इतिहास रच दिया। इस बार रामलीला में विशेष आकर्षण के रूप में उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार लेजर शो डिजिटल लाइव टेलीकास्ट का प्रसारण किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365।